सही, मतलब ऐसे ऐसे मोड़ा मैंने तो ये भी डिटेक्ट होएगा। तो इस साइड जा रहा, उस साइड एक्सपीरियंस है। चलो भाई फायरिंग शुरू। लुक गाइस व्हाट आई हैव गॉट, PS5 फाइनली। बड़ी मुशक्कत के बाद मेरे को ये मिल गया है। 3 महीने लग गए मेरे को इसको एक्चुअली लेने में। इसको ये रिलीज हुआ था नवंबर 2020 में और अब फरवरी 2021 है। 3 महीने से ट्राई कर रहा हूँ। 1 मिनट के लिए ये ऑनलाइन रिलीज होता था एंड विद इन सेकेंड्स ये सोल्ड आउट हो जाता था, बट फाइनली थ्रू द हेल्प ऑफ माई सम फ्रेंड्स ये मेरे को मिल गया। तो अब मजे आने वाले हैं, खूब इसमें गेम्स खेलने वाला हूँ और देखते हैं इसको खोलते हैं। एक और चीज़ है बाय द वे, ये भी लिया है मैंने, बट ये इसकी इंपॉर्टेंस इतनी इसके सामने नहीं है तो इस पर बाद में आऊँगा मैं, पहले इसको खोलता हूँ। तो ये खुलता कहाँ से है भाई साहब, ये एक बार तो रात को पूरे स्टोर के सामने भी, स्टोर के बाहर जाके भी मैं लाइन में लगा था इसके लिए। मैं जब एकदम इनिशियली रिलीज हुआ था ना सुबह मॉर्निंग में वॉलमार्ट के या गेम स्टॉप के बाहर, शायद उन्होंने 30-40 लोगों की लंबी लाइन थी, मैं पता नहीं 15-20 नंबर पे था। और सुबह 7 बजे स्टोर मैनेजर बाहर आके बोलता है कि बस दो है हमारे पास PS5। पूरी रात लगे रहे एंड में सुबह आके कहता है बस दो है हमारे पास। उसके बाद से मैं गया नहीं कभी, ऑनलाइन ट्राई करता रहा वो भी नहीं मिलता था मुझे। बट यहाँ पे किसी दोस्त के हेल्प से मेरे को ये मिल गया। उसको जुगाड़ है कुछ, पता नहीं कैसे करता है वो, बॉट बूट करता है क्या करता है मुझे नहीं पता। बट लेट अस सी हाउ इट लुक्स लाइक। उसे कैसा लग रहा है, इसके बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स और खोलते हैं। ज़्यादा डेलीगेटेड है तो खोलना आता नहीं है, तो ऐसे खोलो ऐसे बेसिकली। क्या इसके अंदर ये वायर्स हैं, ये रख देंगे, ये रिमोट ऊपर ही रख दिया हुआ है। ये वाला इनका आई थिंक लेटेस्ट वर्जन है, ड्यूल शॉक 3 या 2, काफ़ी अच्छी है। सही रिमोट अभी एक है बट आई थिंक तेरे लिए दूसरा लेना पड़ेगा अगर कोई मल्टीप्लेयर गेम खेलनी है। ये सारी बुक्स हैं, एकदम जो नया प्रोडक्ट होता है। कभी आप लोगों ने ये नोटिस किया कि नए वाले में से कितनी अच्छी स्मेल आती है, जैसे लगता है कि अभी फ्रेश आउट ऑफ द फैक्ट्री आया है। अलग से इनकी कुछ सिलिकॉन की क्या स्मेल आती है, बड़ी सिल्की स्मेल। एक दो दिन बाद वो चली जाती है क्योंकि आप यूज करते हो एंड देन यू पुट योर हैंड्स ऑन इट, वो स्मेल चली जाती है। बट जो राइट आउट ऑफ द फैक्ट्री जो स्मेल होती है बड़ी सी लगती है। इसका भी बात करूं वो स्मेल दर्शन करें पहले। रैप किया सोनी ने, कहाँ से बनता है पता नहीं, जापान से ताइवान से। तो ये रहा, वाह सही में वैसे वाली स्मेल आ रही है जो मैं कह रहा था ना, एकदम फ्रेश आउट ऑफ द फैक्ट्री वाली। तो सही है, अब देखना ये है कि इसको लगाना किधर है ये स्पीकर के साथ। काफी लग रहा है, चलो यहाँ पे लगा देते हैं। अब यहाँ पे इसकी पूरी वायरिंग सेट करता हूँ, फिर उसके बाद इसको लोड करते हैं, देखते हैं कैसा है इसका UI। यहाँ सेट कर दिया PS5 एंड दिस इज लोडिंग इट अप।
हो गया भाई, सिस्टम अपलोड हो गया, अपग्रेड हो गया सॉरी। करते भाई इसको भी अपलोड। हो गया सारा कुछ अपग्रेड हो गया, फाइनली लॉक्ड इन टू द PS5। सही है, काफी डिफरेंट है PS4 से। आई थिंक थोड़ा सा ऊपर मेन्यू आइटम्स है। 11 बजे रात का फिर अच्छा, ये एक्चुअली मैं डिस्क वर्जन था, इसमें दोनों डिजिटल एडिशन और डिस्क दोनों चलेंगे। एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया मेरे को खेले हुए। लास्ट मैंने प्ले स्टेशन खेला था वो था PS2 में। अब उसके डायरेक्टली बाद 3 स्किप किया, 4 स्किप किया, 5 कितनी हाइप आ गई, तो मैं सोचा लेके देखते हैं क्या चल रहा है। अपडेट हो नहीं हुए कौन से गेम्स हैं, बट देख कर लग रहा काफ़ी है। यानी PS4 के हाँ हो गया लोड अभी। तो रेड डेड रिडेम्पशन को तो इंस्टॉल होने में आधा घंटा लगेगा। मीनवाइल कह रहे हैं ये गेम खेल लो भाई, एस्ट्रो प्लेयर ये फ्री वर्जन है, देखते हैं कैसी है। तो टाइम पास के लिए खेल रहा हूँ मैं, मेरी कोई फेवरेट गेम नहीं है। रेड डेड रिडेम्पशन एक्चुअली इंस्टॉल हो रही है, इसलिए मुझे लगानी पड़ी। जितना मैं इसको दबाऊंगा उतना ही ये दबेगा, इतना दबाऊंगा इतना दबेगा। हल्का हिल रहा है, और मैं इसको पूरा दबाऊंगा तो पूरी इसमें खींच के पूरा काम हो जाएगा। टच पैड पे क्या करना, नाम लिखे उस पर वाइन लिख देते हैं अपना ही काफ़ी। सही, मतलब ऐसे ऐसे मोड़ा मैंने तो ये भी डिटेक्ट होएगा, तो काफ़ी नेक्स्ट जनरेशन ही कंसोल है फिर। वैसे इतनी भी बुरी गेम नहीं है, इंटरेस्टिंग है ये। तुम्हारा छुटकू सा है तो उधर उधर लेके जा रहा है। फ्री गेम है, थोड़ी देर के लिए टाइम पास कर रहा हूँ, बट इंटरेस्टिंग है इसका कॉन्सेप्ट। इंटरेस्टिंग नहीं है बट एक्सपीरियंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इस रिमोट के साथ फाइनली जो वाइब्रेशन आती हैं और इमर्सिव एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है। से वैसे से कंट्रोल हो रहा है। अरे सही, इस साइड जा रहा हूँ उस साइड। हो गई रेड डेड रिडेम्पशन भी हो गई इंस्टॉल। स्पेशल इफेक्ट्स वाली मूवी लग रही है, तो पूरी स्टोरी मोड है। अब ये पूरी स्टोरी बताएंगे एंड देन इसके बाद गेम स्टार्ट होएगी ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस के जैसे।
ये वेपन्स हैं मेरे पास, एक बंदूक है, ये चक्कू चक्कू बंदूक, इसी का एक काम है शायद। अभी बंदूक निकाल ली है, कर देना फायर जैसे ही ऑर्डर मिलेगा। L2 to AM। चलो भाई फायरिंग शुरू। और चल मार इसको, इससे ज़्यादा बोर नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मेरे को तो मज़ा आ रहा है। बट आई डोंट नो आप लोगों को देख के इसको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो लेट मी नो, मैं आगे ऐसे इसको शूट कर लिया करूँगा। बट फॉर नाउ आई थिंक आई विल एंड इट हियर एंड इसको और खेलूँगा अब मैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।